Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is me, Nader Ali Jamali. आज ऐसा पहले ट्रेन लेक्चर में कंटिन्यू करना सी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स के जिको ऐसा पहले बे लेक्चर में तवां के समझान शुरू किया हो कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स मना कोर्सरा ऐरा लाजन जी की पहले पेयर में इस्तेमाल थे ना पेयर में इस्तेमाल ना जी जिसो मना जिको उन जो पेयर आये जिको उन जो कॉम्बिनेशन वर्ड आ उनका इलावा जी करना तवां ब्यूलब इस्तेमाल किया तो गलत थे ना उनमें ही वरी उनके अंदर जिन्हें सामने डेप्थ में इधर इन कोर्स एंड व्यू में ऐसा की पॉइंट्स मिल दियो जे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट्स या इडियम व्यू में कोर्स एंड पॉइंट्स ऐसा के मिलेंगे दियो द वे कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स और जे के वर्ड्स इन उनके समझन शुरू के हुंदा और तकरीबन छवी का मथे जे के मुके समझाना है मुके सेकंड लेक्चर में बताऊंगे समझाया होया कुछ आज समझाना है ब्यार पजे इधर लेक्चर्स में इधर जो पेयर और जे को मुता के समझाया इधर जो पेयर नॉर आई इधर और जो मतलब चाहे बिनमा को एक निधन और मतलब चाहे बिनमा को बिना आई इनके अगते बदायन का पेन उस्ताद बुखार जो एकड़ो शेयर ताने पेशे खिदमत याद कोशिश जो अमल कामिल ना हो याद कोशिश जो अमल कामिल ना हो याद पूरे हो प्यार सब शामिल ना हो मन ताने का कोशिश के हुआ कामिल ना कही कामिल मन कंप्लीट याद पूरे हो प्यार सब शामिल ना हो मन ताम बेदिले में मेहनत कर जिनसे स्टूडेंट्स घना लेकिन बेदिले में पढ़ना है अब अंदर पढ़ना है बाबू घर का टीचर ही तो बाबू ये खौफ का पढ़ना है बाहर वो पढ़ने जाएंगे पंज अंदर जो शोक का या तो कोशिश जो अमल कामिल ना हो या तो पूरे हो प्यार सब शामिल ना हो नेक नियत हो शेमत शर्त हो मर्द सामो को भी कम मुश्किल ना हो माना हर शे जेका है वो पॉसिबल है इंसान ने काब शे जेका है नामुमकिन ना है तो इधर आत्मन मिनिमम को एक निधर नॉर्मल मिनिमम को बिना इन जो डिटेल में यूज मु पर सेकंड लेक्चर में ताके समझाया हो हाँ इनका अगते बदलना वेदर और वेदर जी को एक नो आई डब्ल्यू ई ए टी एच यार जी का मौसम आ रही है ही वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच यार वेदर जो कॉम्बिनेशन वर्ड चाहे और वेदर आप जिन सो आई डोंट केयर वेदर यू गाओ आ रही है मनु के परवा ना आए ताऊ आया ताऊ तरसो जमा जो ही जी को वेदर आए वो असल की छाजी मानें दो तकरीबन ये वेदर अब पान के इफ दी मानें दो हाँ ही जी को ही और आ कॉम्बिनेशन वर्ड इधर जो भी आए हाँ सोचो है ना इधर है ना आर मिले लो जी ब्लैंक छेड़े लो तो ऐसा इधर रखूं या इधर रखूं ये पॉइंट आए नहीं सब कम नहीं तो पौन में तान इसमें जगह कॉन्सेप्ट बिनमा को एक बार हो तो इधर रख लो पर जगह एफ जी मना है तो पोता अच्छा रख लो पौन में था में इधर रख लो बोथ एंड बोथ जो जिको कॉम्बिनेशन वर्ड आ बोथ जो जिको पेयर आए बोथ जो जिको कॉम्बिनेशन वर्ड आए वो एंड आए आई यू हमेशा पाण संगर प्लूरल वाला वर्ब कर दो यानी तो वी बोथ लव एंड रिस्पेक्ट मना असा ये बेकम करना असा उन जो एतराम या अदब भी करना है असा के उनसे मोहब्बत भी आए दो दो जो कॉम्बिनेशन वर्ड चाहे ये दो जो पेयर देखो आए वो ये टा ये अकेलो में इस्तेमाल दिनो है ताई खबर वो एडवर्ड तो भी इस्तेमाल दिनो आई उन्हें मना चाहूं दिया अन्यान ते आई वो ये देखो आए वी यूज ये एट द बिगिन एट द एंड ऑफ नेगेटिव एंड क्वेश्चन सवाल ये नाकार जुमले आखिर में इस्तेमाल दो एडवर्ब तो ये हैदी कमेंट नो ही हैदी कमेंट पर जब हम दो संग रेस्ट मारनो तो उधर तकिलो नेवर ब्लेस्ट ही मारने दो मन ताऊं दे भी अन्य ताऊं दे भी मारने दो ही सफरिंग मत पहन जेतोनी को घड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे वाले ये ही डज नॉट कंप्लेन ताऊं दे भी हिते ही मन अन्य दिन आए ताऊं दे भी शिकायत न तो करे अरे हिते ही जिको दो संग रिलेट इस्तेमाल दे तो हिते ही हो इनकी करीलेटिव कंजंक्शन चलो पर जरा अकेले इस्तेमाल दे तो वो एडवर्ब होंगे नॉट ओनली जो कॉम्बिनेशन वर्ड लिखो आयो छाए बट आल्सो नॉट ओनली अरे इरा तकरीबन काफी वर्ड्स इन जो लिटररी जेको यूजेज आए जदा हुए व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद नॉट ओनली एडा क्या भी खोड़ सर लव दिन वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट हालांकि होता है इसे तो उसूल चाहे इंग्लिश स्ट्रक्चर में इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर में चाहे तो जदा सब बयान जुमले के सवाल ही में चेंज करना हो जे मिसाल ही इज राइटिंग अ लेटर ही इज राइटिंग अ लेटर थाने से के सवाल की कण पंदो इज ही राइटिंग अ लेटर ही हैज रिटन अ लेटर हैज ही रिटन अ लेटर पर ये उसूला तकरीबन द जे लगभग एड़ा पान के मिलन था वर्ड्स उनन जो ये लिटररी यूजेज आए जदा पे हुए जुमले की शुरुआत में इंदा है ना तो ऑक्सिलरी वर्ब जेको आए वो असल के सब्जेक्ट का पेन रखनो पंदो एंड दिस इज नॉट क्वेश्चन आई यो सवाल ही जुमले ना है लेकिन तवा वे शुरू में हो जाए ना ये ऑक्सिलरी वर्ब के सब्जेक्ट का पोर रखे हो तो ता जुमलो गलत हो जाओ इन सो मिसाल नॉट ओनली इज ही फूलिश
जेकर नॉट ओनली इते शुरुआत में रखियो ना आई असन जुमलो के अगते ही बताए नॉट ओनली ही इज फूलिश जुमलो छात में गलत है नॉट ओनली इज ही फूलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट हुना फकत बेवकूफ पर जिद्दी रो पिण आए ये देखो ऑब्स्टिनेट लव्ज आए ऑब्स्टिनेट लव्ज माने चाहे ऑब्स्टिनेट लव्ज उन जो सिनोनिम आए वो है स्टबर्न स्टबर्न माने जिद्दी आई एन जो नाउन थे ही एडजेक्टिव हन जो नाउन थे ऑब्स्टिनेसी आई स्टबर्न जो नाउन देनो वो देनो स्टबर्ननेस तो एड़ा ब्या भी जेन जो हार्डली या स्केसली बेरली या सेल्डम आई देखो इधर आ इधर और ना देखो अकेलो इस्तेमाल है आ देखो अकेलो इस्तेमाल है एड़ा तकरीबन नान जे लगभग जे वर्ड्स एंड पर इंदर सेशन में ता के जो अलग टॉपिक थिन तो ता के समझाना थी तो जबरदस्त टॉपिक का बरल ता याद रखे जो तो नॉट ओनली जन्म जुमले शुरुआत में इंदो ता के आगल सब्जेक्ट का पेर रखो बदो इसो नॉट ओनली जेकर न हो जाए जुमलो पांच सिर भी लिखो इज ही फुलिश वो जुमलो बयान हो जाए या सवाल हो जाए सवाल हो जाए यकीनन पसंद जुमले यकीनन सवाल निशान नहीं पा गया पर ये उसूल तो पे जेल में रख सके आई ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट आल्सो दिल्ली ही नॉट ओनली यार ही जुमलो देखो है यो गलत था छो जो नॉट ओनली बट आल्सो सा जेकर ता बनाउन कनेक्ट कयो था तो ता के हर एक पेयर और वर्ड के हर एक नाउन याद रखो तो हते he not only visited not only ki visited yaad rakhyo hai ne kare jumlo incorrect ta galat ha jumlo durust kin no he visited not only agra but also delhi in any in a structure jo bhi paan ke khayal rakho padho padho lagte regard regard is followed by aid regard ji mana hai te samjhana hai unhe jo pair aaye wo aid he regards himself as petted upar paan ke मोहे पे वतन समझ लो लव मना जाते थे हां जे करे ते ता रिगार्ड्स है इस का अलावा को बियोल रखनो तो जुमलो गलत थे लो लेस्ट लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड लेस्ट जो को पेयर आउन जो को कॉम्बिनेशन वड़ा हुआ है शुड लेस्ट ये स्पेल पर ध्यान में रख से जो तां जो एकड़ो लीस्ट लिटिल लिटिल उन जी का कंपैरेटिव डिग्री आया हुआ है लेस आई सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट पर मुझे स्पेल जाए एल ई एस टी आई एन लेस्ट स्पेल जाए एल ई एस टी ही कंजंक्शन है पास स्पीड में एक कंजंक्शन जन जी मना है मत्ता न सिंधी में यह मना नहीं हो लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड पार लेस्ट जो कॉम्बिनेशन मना वो शुड आए इन सारे रहता है माइट रख दो कुड रख दो तान जो लोग गलत ही था आई बीक जबरदस्त पॉइंट वो आप आए जन में रख से जो मना या समझो तो जन रिडंडेंसी ये थी भाई जन शुड अकेलो इस्तेमाल थी था यू शुड वर्क हार्ड ताकि सख्त मेहनत कर गुजे ऐसा नहीं करे कि जो बात तो के पे वक्त जाया नहीं कर गुजे तो कि जन्नत है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ताकि पे वक्त जाया नहीं कर गुजे तो नेगेटिव करण जे लाए जे के भी मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब से ना तो दे आर फॉलोड बाय नॉट उनन सा सा के नॉट इस्तेमाल करनी पौंदी है ठीक पर शुड सा नॉट केड़ी कंडीशन त न लगनी है जरे शुड लेस्ट संग इस्तेमाल है शुड अकेलो हो तो ना नॉट रखे सकना यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम पर जदा हम यू शुड लेस अगर होने उन ना नॉट लगे होंगे वो जुमलो गलत था वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल सख्त मेहनत कर मत फेल न थी सिर्फ मना चाहते थे सख्त मेहनत कर मत फेल न थी सच सच इज फॉलोड बाय ए सच या ब्या भी घना यूज इज आई पर हिते इन यूज मुताबिक एको कॉम्बिनेशन वर्ड में ऐसा समझना तो ने जो कॉम्बिनेशन वर्ड आ हुए इधर दीस मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे माने ही हम बेड़ा ना जेड़ा मु कॉल खरीद किया सच इज फॉलोड बाय ए राधर राधर इज फॉलोड बाय देन हाने राधर जे को आए वो अकेलो के इस्तेमाल नो फेयरली राधर उन्हें अलग एक्सरसाइज लिविंग इंग्लिश स्ट्रक्चर में मिले लेन कोर्स एंड मेन किताबन में भी राधर फेयरली वांगो एडवर्ब तौर पे इस्तेमाल थे नो तो जी को फेयरली इज यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव फेयरली जे को आए वो फेवरेबल एडजेक्टिव सा इस्तेमाल नो पॉजिटिव प्लीजेंट आइडिया सा राधर जे को आए वो इस्तेमाल थे नो आए अनफेवरेबल एडजेक्टिव सा आई नेगेटिव एंड प्लीजेंट आइडिया से इस्तेमाल थे नो ठीक पर हेते जे को सा हेने जे पेयर जे सा गाल लगे कॉम्बिनेशन वर्ड जी गाल लगे तो राधर इज फॉलोड बाय देन राधर जो कॉम्बिनेशन वर्ड है वो देन शी वुड राधर डाई शी वुड राधर डाई देन बे इन मतलब ये आयत मना हु मरी विधि पर खैरात न करनी मना हु खैरात भरण का मरण के तरजीह ले ले ठीक तही को फेयरली राधर ताकि बताए न वाले था एक्सरसाइज मिले तो किताबन में आई जी को राधर हो अकेलो में इस्तेमाल करना या राधर पर पेयर देन समय इस्तेमाल करना जेन तो दिस क्वेश्चन इज राधर डिफिकल्ट
पर जे करा उते इजी हो जाया ये देखो तपोथ्या दिस क्वेश्चन इज फेयरली इजी दिस क्वेश्चन इज फेयरली इजी अच्छा हाँ ये वुड रादर जेको आहे इन जा वधीक जेके यूजेस आहिनि उहे तव्हां ॿुधी छॾियो वुड रादर इज बेयर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव जेरंड पार्टिसिपल पार्टिसिपल इन्फिनिटिव जेरंड जेके इस्तेमाल कंदा आहिनि त उनमें इन्फिनिटिव जेको आहे बेस्ट फॉर्म हूंदो आहे ऑफन फॉलोड बाय टो जेको टो ई वर्ब जी बेस्ट फॉर्म ठीक से उनमें हिकिड़ा फुल फुल इन्फिनिटिव माना खोट सारे स्ट्रक्चर जिन में असांखे टो इस्तेमालु करणो पवंदो आहे जंहिं मिसाल जी ॻाल्हि मां वञणु चाहियां थो त असांखे छा चवणो पवंदो आई वॉन्ट टू गो I want go na chalade un mein madad karne ka faisla kiya he decided to help me he decided did help me na he decided to help me ye jo would rather hai you bear infinitive mein shumara bear infinitive ya plain infinitive means verbs without to mana uve structure mana uve expression uve words jin sa to istemal na the ta would rather ek vaay un sa to istemal na the I would rather ji ka sindhi mein mana hai wo hai better out चाहता तुम्हारे यानी बेहतर आत चंगो आत जैसे तो आई वुड रादर गाओ मन बेहतर आत मावने मन मुलाय बन्यन बेहतर है मुलाय बन्यन बेहतर आ है बेहतर आत मा वन्य आई वुड रादर ही जो क्योंकि जबरदस्त स्ट्रक्चर आ यो वुड रादर जैसे न वुड रादर को पो अच्छा जिको बेयर इन्फिनिटिव जो मतलब आए इनकी बड़ी डिटेल आए तो वुड रादर सां जदा वर्ब इंदो डायरेक्ट उन वर्ब जी बेस्ट फॉर्म इस्तेमाल आई वुड रादर गो आणि ही बेयर इन्फिनिटिव मतलब छ आई वुड रादर टू गो न थिनो आई वुड रादर टू गो न थिनो आई वुड रादर बेंट भी न थिनो पर जदा वुड रादर सां को सब्जेक्ट अचे पॉइंट सब्जेक्ट जी जाय चाहे नाउन इस्तेमाल जी चाहे प्रोनाउन इस्तेमाल है सब्जेक्ट जाय चाहे नाउन इस्तेमाल के चाहे प्रोनाउन इस्तेमाल है वुड रादर को पूर्व सब्जेक्ट इंदो त कदम वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल न थिनी वर्ब जी मैन वर्ब में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते जेने पाण इन डिटेल में वियो था तो यो असंगे छामे तो मिले यो असंगे तो मिले अनरियल पास्ट जे टॉपिक में पास्ट सब्जेक्टिव जे कोई एकड़ो खुद वसी टॉपिक आ एकड़ो अलग टॉपिक आ पास्ट सब्जेक्टिव अनरियल पास्ट मतलब यो आए तो खोड़ सारा एड़ा वर्ड्स इन एड़ा एक्सप्रेशन इन एड़ा वर्ड्स इन उनन को पो इंग्लिश में वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होते या वर्ब जी सेकंड फॉर्म गाल प्रेजेंट टाइम में गाल जमाने हाल जी गाल एनिमल जी पर वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल थे दी अच्छा जे करे गाल माजी जी गाल माजी जी हकीकी माजी जी तपो वो ना रियल पास्ट वो ना रियल पास्ट अन रियल पास्ट मतलब ये हुआ है तो गाल जमाने हाल जी ए वर्ब जी सेकंड फॉर्म लिखा है एडा कोर्स सर वर्ड्स है ए उनन जे होंदे वरी पो उवे जिन सा वाग लंदे उनन सा भी वर्ग लंदे मिसाल आए ही शेड इन सन जो होंदे इंग्लिश में वाग लंदे पर एड़ा लव्ज इन जने उहे मौजूद हुंदा त उनन को पो इनन साम भी वर लगदी इन के चाहिंदो आए पास्ट सब्जेक्टिव या अनरियल पास्ट चेला तो वुड रादर को पो जने सब्जेक्ट अच्छी आए त कदम वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में लगदी वर्ब जी सेकंड फॉर्म लगदी आई वुड रादर यू आणि गव न थिनो कदम में छो जो यू वुड रादर को पो यू सब्जेक्ट अच्छी आ आई वुड रादर यू वेंट बाय मतलब चाहे यू प्रेफरेंस के तो जाहिर करे तरजीह के तो जाहिर करे तवा ला बेहतर तवा हवाई जहाज के पर जेकर ना वुड रादर कड़ी से सिर्फ ही लव लिखो यू वेंट बाय एयर पौन मन चाहती ता हवाई जहाज ते बियो मन उबियो यो थियो रियल पास्ट पर आने ही चाहे अनरियल पास्ट आ वजा बियो ना वो हाने उनके सलाह दे तो बेहतर थई ता हवाई जहाज ते यार वुड रादर यू पेड देम बाय चेक बेहतर ता उनके चेक जरिया दा थियो तेन के पास्ट सब्जेक्टिव इनके चाहिंदो आने इन पॉइंट के ता के पहले माइंड में रखनो आए तो वुड रादर जो पेयर आ वो केडो आए देन आई वुड रादर सम डायरेक्ट वर्ब आयो तो नि फर्स्ट फॉर्म तो वुड रादर बेयर इन्फिनिटिव नोन द टोन न लंदी पर वुड रादर को पोजे कर सब्जेक्ट अची वजे तो पो वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म न लंदी वर्ब जी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल थी तो ही अज कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स वन वर्ड्स के उन्होंने पेयर के अगते बताया सी जी के रहल आन वो पहले इधर लेक्चर में समझा थी तो सब इन जी अज जे लेक्चर जी स्क्रीनशॉट जी का है वो वठ जो जेके भी समझ ना आयो जे वरी मुझे व्हाट्सएप ते मुसा कांटेक्ट कजो जेके का गल समझ ना आए वरी उनके व्हाट्सएप में समझाने की कोशिश करना सी तमाम बेहतरीन ही जो है वो टॉपिक है इंशाल्लाह वरी पान बे लेक्चर में मिलता सी तेस तई खुदा हाफिज़।